हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र सिंह राठौड़ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स विद अनअकैडमी। यहाँ मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आई एम एन इंजीनियर। आई हैव अपियर्ड फॉर आर एस मेंस इन 2018। आई हैव 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एज ए जी एस फैकल्टी फॉर सिविल सर्विसेज। क्रैक आर पी एस सी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप सबको पता है कि अनअकैडमी है वो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और अनअकैडमी से जुड़ के आप अपना जो फ्यूचर है उसको ब्राइट कर सकते हो। हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी। तो अनअकैडमी पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिंपल सा मेथड है, आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड करना है। इसे डाउनलोड करने के बाद में जब आप इसे इंस्टॉल कर लोगे, अनअकैडमी ऐप है वो कुछ इस प्रकार से ओपन होगी। यहाँ आपको जो आपका गोल है वो सेलेक्ट करना है। आर पी एस सी तो आर पी एस सी, एस एस सी, बैंक, यू पी एस सी जो भी है वो यहाँ सेलेक्ट करना। फिर आपको यहाँ गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना। यहाँ क्लिक करोगे तो आपके सामने आर पी एस सी सब्सक्रिप्शन है ये ओपन होगा। तो आर पी एस सी सब्सक्रिप्शन है ये राजस्थान ओरिएंटेड जितनी भी एग्जाम्स है, चाहे वो आर पी एस सी करवाता है या फिर आपका आर एस एम एस एस भी करवाता है। जैसे आपका पटवार आर एस है, आर टी एस है, पटवार है, कॉन्स्टेबल है, रीट है, उन सब एग्जाम्स का एक ही सब्सक्रिप्शन है ना। तो अनअकैडमी है वो आपके सामने बहुत ही बेहतरीन विकल्प है आपका। तो अनअकैडमी आपको 1 महीने, 2-3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल का सब्सक्रिप्शन वो प्रोवाइड। तो 1 साल का अगर अनअकैडमी पर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी फ़ी है 7,000 रुपये, और वही आप मेरा अगर प्रोमो कोड यूज करते हो एस पी जे एस आर तो आपका फ़ी हो जाती है 6,300 रुपये। इसी तरह अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी पे आपकी फ़ी होती है 8,400 रुपये, और वहीं आप अगर मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो एस पी जे एस आर तो आपकी फ़ी हो जाएगी 7,560 रुपये, है ना। क्योंकि वैसे मेरा पर्सनली आपको ये सजेशन है कि आप कम से कम 2 साल का सब्सक्रिप्शन है वो लें। क्यों? क्योंकि जैसे आर एस की एग्ज़ाम है, आर एस की एग्ज़ाम प्री मेंस इंटरव्यू होते होते आपका 2 साल तो लग ही जाना है। तो जितने लंबे ड्यूरेशन के लिए आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे उतना ही आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। तो अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में अनअकैडमी आपको क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कराता है। अनअकैडमी आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराता है, उसमें आप एजुकेटर से चैट कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, उस डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हो, आंसर पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और ये सारी प्रोसीजर आप क्लास चल रही होती है उस टाइम में होती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। तो स्ट्रक्चर्ड कोर्स में आपने जैसे जिस भी एजुकेटर या जिस भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लिया है तो वो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है ना एजुकेटर कोर्स का वो स्ट्रक्चर करेगा। मीन्स आपका पूरा जो सिलेबस है वो पॉइंट टू पॉइंट कवर होगा, ठीक। नेक्स्ट है लाइव टेस्ट और क्विजेज। तो लाइव टेस्ट और क्विजेज के द्वारा आप अपनी जो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी है उसको इवेलुएट कर सकते हो। जितने ज़्यादा आप टेस्ट दोगे उतना ही आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा, कि जिससे आपको पता चलेगा कि आप किस पोर्शन में वीक है और किस पोर्शन में स्ट्रॉन्ग है, ठीक। नेक्स्ट है अनलिमिटेड एक्सेस। एक बार अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन करने के बाद में अनअकैडमी आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड कराता है, और साथ ही साथ उस टाइम पे जो लाइव क्लासेज चल रही उनका भी एक्सेस प्रोवाइड कराता है, और वो भी सारे आप अपने कम्फर्ट के हिसाब से वो सारी क्लासेज आप देख सकते हो। अगर आप डायरेक्ट मेरे से टच में आना चाहते हो तो अनअकैडमी स्टूडियोज वो फीडबैक फॉर्म है वो फिलअप करके डायरेक्ट मेरे से टच में आ सकते हो। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, यहाँ आपको जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका आपका नाम, आपके कॉन्टैक्ट नंबर और जिस एजुकेटर से जुड़ना चाह रहे हो उनका नाम, ठीक है सर। तो अपन आज बात करेंगे पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी के बारे में, ठीक, और वो भी एमसीक्यूज के माध्यम से, क्योंकि जो आपकी पटवार की एग्जाम होने वाली है तो उस पटवार एग्जाम में आपका ये अलग से जो टॉपिक है ना वो मेंशन है, तो इसको भी अपन कवर कर लेते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण किससे बनता है। ऑप्शन से आपके जीवी घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से या उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण के बारे में बताना है कि जो आपका पर्यावरण है, जो आपका एनवायरनमेंट है वो किससे बना है, जीवी घटकों से, भूआकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से या फिर उपयुक्त सभी से। तो आपको जल्दी से इसका आंसर है ना वो बताना है। देखिए इसका आंसर क्या होता है।
पर्यावरण है वो आपका जीवीय घटकों से भी मिलके बना है, भू आकृतिक घटकों से भी मिलके बना है, अजैव घटकों से भी, मीन्स आपका जो राइट आंसर कौन सा हो गया, जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है कि पर्यावरण जीवीय भू आकृतिक और अजैव घटक है उन सब से मिलके बना। नेक्स्ट आपका जो सतत विकास है वो तो सतत विकास के लिए मीन्स आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या आवश्यक है, जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, निर्धनता को घटाना या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका जो सतत विकास है मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसके लिए आपका जो ये आपका फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी ये राइट आंसर है, क्योंकि जो सतत विकास है इसमें जैविक विविधता का संरक्षण भी जरूरी है, प्रदूषण का कम करना और उसे कंट्रोल करना भी जरूरी है, और निर्धनता है ना इसको भी घटाना जरूरी है। तो अगर सारे चीज़ों में आप अगर इम्प्रूव करोगे तो आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि जो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, कि जो सौर विकिरण है आपकी उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, जल चक्र या फिर नाइट्रोजन चक्र, बताओ देखिए कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, कार्बन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, हाइड्रोजन चक्र है या जल चक्र है। तो जो आपकी सौर विकिरण है इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है आपकी जल का चक्र, जो जल चक्र है ना वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट आपका कि निम्न में से कौन सा पेड़ कौन सा कार्य है वो पेड़ पौधों का नहीं है, कि आपको कार्य बताना है कि कौन सा कार्य है वो पेड़ पौधों का नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना, सौर का अवशोषण मतलब सूर्य की जो विकिरण आती है उनका, वायु का प्रदूषण, ऑक्सीजन की विमुक्ति। तो आपको बताना है कि कौन सा कार्य है वो पेड़ पौधे नहीं करते हैं, कि वायु का प्रदूषण करते हैं या सौर का अवशोषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं। तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन है वो देते हैं, सूर्य की जो किरणें आती हैं उनका भी अवशोषण करते हैं, परंतु जो पेड़ पौधे हैं वायु प्रदूषण थोड़ी करते हैं। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट हो जाता है फोर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल का जो प्रथम स्तर है, वायुमंडल का प्रथम स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, कि मतलब आपकी जो वायुमंडल की जो लेयर्स है ना इस सबसे नीचे कौन सी लेयर है फिर कौन सी लेयर है, तो उसके हिसाब से तो आपको पता होगा कि पहले अपनी कौन सी लेयर है, क्षोभ मंडल, फिर है अपनी कौन सी समताप मंडल, फिर आपकी है आयन मंडल और फिर है बहिर्मंडल, है ना। तो आपकी जो क्षोभ मंडल है वो वायुमंडल का सबसे प्रथम स्तर है और ये पृथ्वी तल के सबसे नजदीक है, तो ये ध्यान रखना आप पृथ्वी तल के सबसे नजदीक कौन सी, सॉरी है ना, तो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक आपकी कौन सी लेयर है, क्षोभ मंडल, है ना। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है, तो आपको बताना है कि वायुमंडल की कौन सी ऐसी परत है जो अपनी यूएवी रे जो है प्रकाश पराबैंगनी किरणें उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। ऑप्शन आपके समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या क्षोभ है और फिर है आपका मध्य मंडल, बताओ देखिए कि कौन सा राइट आंसर है इसका, कि कौन सी परत है आपकी, कौन सी लेयर है जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तल पर या फिर धरातल पर आने से रोकती है, आपकी वो है समताप मंडल। ठीक है, तो जो समताप मंडल है वो ही आपकी पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का वो कितने प्रतिशत भाग में उपस्थित है। तो आपको पता होगा कि वायुमंडल का वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, और ये कितनी है, 78% के अराउंड। तो
आपका राइट आंसर हो जाता है 78.09% जो नाइट्रोजन है आपकी वायुमंडल में उपस्थित होती है। नेक्स्ट आपका महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब आपको पता होगा कि जो महासागर है या फिर खारे पानी की झीलें हैं वहां से अपने लवण का उत्पादन होता है, तो आपको बताना है कि जो महासागर है वहां से किस प्रकार का लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड, बताओ। देखिए कि सबसे ज्यादा जो महासागरों में कौन सा लवण है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो है आपका NaCl। जो सोडियम क्लोराइड है वो महासागरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत क्या है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या फिर हाइड्रोजन का। अभी अपन ने बात करी थी कि वातावरण है, वातावरण में सर्वाधिक अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। कितने प्रतिशत, 78%। तो आप बता सकते हो कि वातावरण है या फिर वायुमंडल है सबसे अधिक किसका प्रतिशत है, नाइट्रोजन गैस का, कितना, 78.09%। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ लेना, बता दो। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों के समूह को क्या कहते हैं। मान लो कि ये आपकी पृथ्वी है और इसके चारों ओर जो ये गैसों का समूह है इसको किस नाम से जाना जाता है। अब आप बता सकते हो कौन सा, भूमंडल, जलमंडल या फिर वायुमंडल या फिर जड़। तो अब ये आपका कोई जल भाग, पूरी भूमि है, इसके चारों ओर जो भाग है मान लो जल है तो ये हो जाता है जलमंडल, अगर भूमि है तो वो हो जाता है स्थलमंडल। पर यहाँ तो क्या है कि आपको पता होगा कि पृथ्वी के चारों ओर क्या है, गैस है ना, तो इसे अपन बोलते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या बोलते हैं अपन, वायुमंडल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सतत विकास लक्ष्य 2020 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। कि जो 2020 का सूचकांक आया है अपना सतत विकास लक्ष्य, तो भारत का कौन सा स्थान है, 116वां, 125वां, 108वां या फिर 117वां। तो आपका राइट आंसर क्या है बताओ, देखिए जल्दी से कमेंट करके, फिर मैं बताता हूँ कि 116वें नंबर पे है या 125वें नंबर पे है या 118वें या फिर 117वें नंबर। तो आपका जो सतत विकास लक्ष्य है, ठीक, इसमें है आपका भारत का स्थान है वो 117वां नंबर। ठीक है, तो 117वें नंबर पे भारत है वो आपका सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है, तो आपका अर्थ समिट है उसका आयोजन कहाँ किया गया था। ऑप्शन आपके काहिरा में, रियो में, डरबन में या फिर क्योटो में। आपको बताना है कि ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो आपके इकोलॉजी वाला पार्ट है, इन्वायरमेंट वाला पार्ट है, उसमें आपके पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो ये आपके चार ऑप्शन है, इनमें से बताओ देखा। तो आपको पता होगा कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन है वो 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में जो ब्राजील है वहां पे किया गया था। ठीक है, कहां पे, रियो डी जेनेरियो। ठीक है सर। आमतौर पर समाचारों में आने वाले रियो प्लस 20, ये आपने कभी पढ़ा होगा कि रियो प्लस 20 सम्मेलन क्या है, बताओ। देखिए भाई, रियो प्लस सम्मेलन है वो क्या चीज, पर मैं अपन पढ़ते हैं डेली समाचार में कि रियो प्लस सम्मेलन के तहत ये चीज, रियो प्लस सम्मेलन के तहत ये चीज। तो रियो प्लस सम्मेलन होता क्या चीज है, क्या यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है, क्या यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की मिनिस्ट्रियल बैठक है,
क्या यह जलवायु परिवर्तन पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन है, या फिर क्या यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्यों का सम्मेलन है? तो आपको बताना है कि जो आपकी रियो प्लस 20 है वो क्या चीज है, आपका ये संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है या फिर WTO का सम्मेलन है या फिर जलवायु परिवर्तन पर इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन। तो आपको पता होना चाहिए मैं रियो प्लस 20 यानी 1992 के बाद में आपकी जो अर्थ सम्मिट हुई थी 1992 में, तो आपकी रियो प्लस 20 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर, यह संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है एक तरह का। ठीक है, तो आगे दिक्कत नहीं होगी शायद तक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कि आपकी जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल संस्था है एक जो आपके पर्यावरण से संबंधित है, तो इस संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो आपको बताना ऑप्शन है ओटावा, नागासाकी, कैनबरा या एम्स्टर्डम। आपका जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है वो बताना आपको कहाँ, बताओ देखिए जल्दी से कमेंट करके। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है वो आपकी एक तरह की संस्था है जो पर्यावरण से संबंधित है और इसका मुख्यालय है आपका एम्स्टर्डम। ठीक, तो ये ध्यान रखना इसके बारे में भी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय है वो कहाँ है? जो अपन बोलते हैं ना UNEP, तो UNEP का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित? ऑप्शन आपके नैरोबी, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन DC या फिर द हेग। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपके है नैरोबी में। ठीक, तो नैरोबी में आपके यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका कि भारत सरकार के द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई थी? तो आपको पता होगा कि भारत में अगर किसी को पर्यावरण से रिलेटेड कोई काम करना है तो NGT की परमिशन है वो अति आवश्यक है, मतलब मैंडेटरी है। तो अगर कोई भी संस्था है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उससे एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर कुछ काम करना है तो उसको सबसे पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की। तो अब आपको बताना कि NGT की स्थापना है वो कब की गई थी, 2008, 2009, 10 या फिर 2011। तो NGT की आपकी स्थापना की गई थी कब? 2010 में। ठीक, ध्यान रखना NGT है वो अपना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसकी स्थापना की गई थी 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था जो आपके पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है? इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए, तो ये अधिनियम कब पारित किया गया था भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, 1981, 1986 या 1995 या फिर 2000? तो इनमें से आपको आंसर है वो बताना है, आप देख लो, बता दो देखिए जल्दी से कि भारत में पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम जो आपका अधिनियम है वो कब पारित किया गया था? तो आपका ये अधिनियम पारित किया गया था 1986। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया कि भाई पर्यावरण संरक्षण करना है किसी देश में, तो वहां के लिए उन्होंने ग्रीन आर्मी नाम से एक संगठन बनाया कि आपकी ये जो आर्मी है वो उस एरिया में, उस क्षेत्र विशेष में, उस देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करेगी और उससे राज्य सरकार या फिर जो आपकी केंद्र सरकार है उसके द्वारा मोटिवेशन प्रारंभ दिए जाएंगे। तो ये आपकी ग्रीन आर्मी प्रारंभ करी थी ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ग्रीन आर्मी है वो प्रारंभ करी थी किसने? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विश्व पर्यावरण दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 25 मई या फिर 5 जून? तो आपको बताना है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट जो डे है
वो कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है वो आपका मनाया जाता है कब? 5 जून को, है ना। तो ध्यान रखना 5 जून को आपका वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये जो इको मार्क है, आपका अगर कुछ चीज वगैरह खरीदते हो, ठीक है, खाने पीने की चीजें खरीदते हो या और कोई चीज भी खरीदते हो, तो उसके ऊपर इको मार्क लगा होता है। तो इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? कि भाई ऐसे हर किसी को तो दे नहीं सकते, तो इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? दूध एवं मिलावट रहित पदार्थों को, प्रोटीन समृद्ध को, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उसे, या फिर आर्थिक दृष्टि से जो व्यवहारिक हो उसे। जो आपका इको मार्क है वो किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? शुद्ध एवं मिलावट रहित, प्रोटीन समृद्ध को, या फिर पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उसे। तो आपका ये राइट आंसर है, पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण होता है उसे आपका इको मार्क है वो दिया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है उसको किसने प्रतिपादित किया था? जी आर डेलर, वेलिंगटन, जी आर स्टार्डेट, या फिर टांसले। आपको पता होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी संकल्पना को प्रस्तावित किया था आपके टांसले, है ना। तो ये नाम कभी मत भूलना भाई, पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ रहे हो तो आपको पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित, है ना, ये जो प्रस्ताव वगैरह पारित हुए हैं, कुछ सम्मेलन हुए हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? टांसले, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर कुछ कुछ पार्ट्स में यहाँ पे पारिस्थितिकी जो तंत्र की विशेषता वाली चीजें हैं वो फैली हुई है, परंतु पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सा पार्ट है वो फैला हुआ है? मरुस्थल, घास के मैदान, समुद्रीय, सॉरी पर्वतीय, या फिर समुद्रीय मैदान। तो आपको पता होगा कि भाई जो समुद्रीय क्षेत्र वाला पार्ट है ये सबसे अधिक क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र से समाहित है, या फिर पारिस्थितिकी सबसे ज्यादा इसमें ही है। तो आपका जो समुद्री है वहां पे जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है वो कृत्रिम है? आपका आपको बताना है कि कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है वो कृत्रिम, घास के मैदान, वन, झील, या फिर धान का खेत। अब आपको पता होगा कि घास का मैदान है, वन है, झील है, ये तो सारी क्या है, प्राकृतिक है ना, नेचुरल। तो ये तो आपकी हो गई सारी नेचुरल, ठीक है। और ये जो धान का खेत है वो आपका क्या हो गया, आर्टिफिशियल, यानी ये चीज है वो कृत्रिम चीज। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? वनों को काटना, वनों को रोकना, वर्षा जल भंडार, या फिर जैव मंडल भंडार। क्या आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? वनों को काटना, वनारोपण, वर्षा जल प्रबंधन, या जैव मंडल भंडार। तो बताओ देंगे कमेंट करके। अब आपको पता होगा कि भाई पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए जितने पेड़ काटो उतने ही लगाओ, वनारोपण ये चीज भी होगी, वर्षा जल प्रबंधन, जो वर्षा का पानी होता है उसका भी यूज करो भाई, और जैव मंडल भंडार है वो तो है ही। तो आपके जो वनों को काटने वाली जो प्रक्रिया है ये पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करती, बाकी जो तीनों प्रोसीजर्स है वो आपके पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्न में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? आपको बताना है कि पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्न में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल, या फिर वर्षा की परिवर्तनता। तो कौन सा पारिस्थितिकी असंतुलन है, ठीक है, भारत में? तो बताओ देखिए, वनोन्मूलन है, या फिर मरुस्थलीकरण है, या फिर आपका बाढ़ एवं अकाल है, या फिर वर्षा की परिवर्तनता। तो आपका पारिस्थितिकी असंतुलन कौन सा है बताओ देखिए।
आपका जो पारिस्थितिकी असंतुलन है वो वनोन्मूलन है, क्योंकि अभी वर्तमान टाइम पे जितने वनों को काटा जा रहा है उतना लगाया थोड़ी जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, आपका पारिस्थितिकी संतुलन है वो अनबैलेंस हो रहा है, मतलब आपका जो धीरे धीरे ग्राफ है वो ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो वनोन्मूलन की वजह से पारिस्थितिकी असंतुलन है वो पाया जाता है। नेक्स्ट, आपका खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है, कि जो आपकी खाद्य श्रृंखला है, पहले कि भाई कोई शाकाहारी होगा जो पेड़ पौधे हैं उनको खाएगा, फिर एक कोई छोटा जानवर होगा जैसे मान लो कि गिलहरी वगैरह हैं ये हैं, फिर इनको कुत्ते बिल्ली ये खाएंगे, फिर बाद में और कोई जानवर खाएगा, तो लास्ट तक ये सारी जो श्रृंखला है वो चलती रहती है। तो आपको बताना है कि खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है, केवल प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता, केवल द्वितीय उपभोक्ता, केवल प्राथमिक या फिर एक निर्माता। अब आपकी खाद्य श्रृंखला है उसमें अपन निर्माता तो बन नहीं सकते, क्योंकि उसमें क्या है कि जो नेचुरल चीजें हैं वही खाद्य श्रृंखला में प्रोवाइड होती है, जैसे पेड़ पौधे हैं तो वो सबके लिए अप्लीकेबल है, तो उसी प्रकार आपकी खाद्य श्रृंखला है उसमें मानव क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो ध्यान रखना आप कि जो खाद्य श्रृंखला है उसमें प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में मानव को माना गया। जीव भार का पिरामिड है वो किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है, कि जो जीव भार का मतलब भार वाला जीव, तो उसका पिरामिड है वो किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है, वन है ये, घास के मैदान है, शुष्क मैदान है, ये तो क्या है बड़ी बड़ी चीजें हैं ना, कि वन हो गया, घास का मैदान हो गया, यहाँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला जल का, परंतु अब जब जल में जाओगे तो वहां आपकी हालत है वो खराब हो जाएगी। तो आपका कौन सा सही आंसर हो गया, कि जीव भार अगर ज्यादा होता है तालाब में तो उस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्ट जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण है वो किस स्तर पर पाया जाता है, कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण है वो स्तर कौन सा है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपघटक। तो आपको पता होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर है ना वो किसका होता है, ऑप्शन से आपके शाकाहारी का होता है या मांसाहारी का या फिर सर्वाहारी या फिर अपघटक का। तो आपका राइट आंसर है सर्वाहारी। तो जो सर्वाहारी व्यक्ति है में उच्चतम पोषण स्तर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 10% नियम किससे संबंधित है। अब आपको पता होगा कि 10% नियम क्या है, कि अगर कोई व्यक्ति है एक कार्य करता है दूसरे कार्य में जाता है तो उसकी जो आपकी एनर्जी है वो 10% लगती है ना, तो 10% नियम से संबंधित कौन सा कथन है वो सत्य है। ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचना, उष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना, पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप बताओ देखिए कि 10% नियम है वो किससे संबंधित। तो आपको पता होगा कि जैसे इन्वायरमेंट है उसमें 10% नियम है वो इम्पोर्टेंट है, इसमें ये बताता है कि अगर एक आप एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में जाते हो तो आपकी 10% जो एनर्जी है वो लॉस होती है ना। तो ऊर्जा उष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पहुंचना, खाद्य का उस ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचना, तो आपका राइट आंसर हो गया ये, क्योंकि अगर एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाएगी तो यहाँ इसकी 10% जो एनर्जी है वो वेस्ट होगी। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, आपकी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वहां पे तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है, रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र या फिर भू रासायनिक चक्र। तो पारिस्थितिक तंत्र है इसमें तत्वों का जो चक्रण होता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र या भू वैज्ञानिक या फिर भू रासायनिक चक्र। तो इसमें आपके जो तत्वों के जो चक्रण की प्रक्रिया है इसे बोला जाता है जैव भू रासायनिक चक्र है ना, तो जैव भू रासायनिक चक्र है इसको पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण कहा जाता है। नेक्स्ट आपका कि निम्न में से किस वृक्ष को पर्यावरण संकट माना गया है, बबूल, नीम, अमलतास या फिर यूकेलिप्टस। तो आपका जो पर्यावरण का संकट माना गया है वो यूकेलिप्टस को माना गया है।
दो समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? भाई दो प्रजातियां हैं, एक ही है, तो ये जो संक्रांति वाला क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? इको टाइप, इकेड, इकोस्पिट सेंटर, सॉरी इकोस्फेयर। इको स्पेयर या फिर इकोटॉन। तो आपका जो दो समुदाय है, मान लो एक समुदाय एक ये है और एक समुदाय ये है, तो इनके जो बीच की जो संक्रांति वाला क्षेत्र है ना, इसको बोलते हैं अपन इकोटॉन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इकोटॉन कहा जाता है दो समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र को। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? अब आपको पता होगा कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है वहां सूर्य का प्रकाश है वो बड़ा बहुत है जो मिलता है, तो एटीपी भी नहीं होगी, डीएनए भी नहीं, आरएनए भी नहीं, आपका राइट आंसर हो गया सूर्य का प्रकाश। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है पारिस्थितिकी तंत्र में? सूर्य का प्रकाश। जब एक जीव लाभ लेता है तो बगैर दूसरे सहजीवी को प्रभावित किए तो क्या कहते हैं इसको? कि मान लो कोई एक जीव है, ये दूसरे जीव का लाभ ले रहा है बिना किसी लाभ के, है ना, तो दूसरे जीव को, तो दूसरे सहजीवी को प्रभावित किए किए बिना, तो उसे क्या कहते हैं? तो भाई उसे कहते हैं आपका सहजीवी, कि उसके साथ साथ रहता है, उसके साथ साथ जीता है, परंतु दूसरे को कोई भी कभी भी प्रभावित नहीं करता है, तो ये आपका हो गया सहभोजी। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला है, इसके परस्पर आपस के जो समूह हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? खाद्य चक्र, श्रृंखला अभियरिया, या फिर खाद्य जाल, या फिर बायोमास का पिरामिड। तो जो खाद्य श्रृंखला है इसके समूह को अपन बोलते हैं क्या? खाद्य जाल। ठीक, तो आपकी जो खाद्य जाल है ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। कृत्रिम वृषा के लिए, मेघ बीजन के लिए कौन सा प्रयुक्त रसायन है? आपको बताना है कि जैसे कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है ना कहीं कहीं पे, तो कृत्रिम वर्षा है वो किससे करवाई जाती है? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोनोराइट, ब्रोमोमाइट, या सिल्वर आयोडाइड, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट। तो कृत्रिम वर्षा के लिए, मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है आपका? सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 36 का आपके राइट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन, कि जो सिल्वर का आयोडाइड है वो मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। मानव पर्यावरण संबंधी एक प्रकार किस प्रकार की परिकल्पना है या संकल्पना? ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक, या इनमें से कभी नहीं। तो आपको बताना है कि जो आपका मानव पर्यावरण संबंध है वो किस प्रकार की संकल्पना है, ऋणात्मक है, धनात्मक है, या फिर संज्ञानात्मक है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होता है धनात्मक, है ना, कि आपका जो मानव पर्यावरण संबंध है, मानव का और पर्यावरण का संबंध, वो किस प्रकार की संकल्पना है? एक धनात्मक संकल्पना है। ऊर्जा का पिरामिड है वो कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड किस प्रकार का होता है? सीधा, उल्टा, अनियमित, या इनमें से कोई नहीं, बताओ देखे कमेंट करके। तो आपको पता होगा कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है हमेशा। 10% का नियम है वो किसने प्रतिपादित किया था? 10% का नियम है आपके गोल्डमैन, बैकमोन, लिंडमान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका 10% का नियम क्या है? पहला तो कि अगर एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर अगर जाते हो आप, तो आपकी 10% एनर्जी है वो वेस्ट होती है किसमें? आने जाने में। तो और ये नियम दिया था आपके मान जी ने। निम्न में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो बायोडायवर्सिटी शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सीजे बैरो, डी कास्त्री, वाल्टर जी रोशन, या फिर डी आर बोरिस ने। तो ये भी ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है, बायोडायवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था? सीजे बेरो, डी कास्त्री, वोल्टर्स जी रोसेन, या फिर डी आर 35। ठीक है, तो आपका इन्वायरमेंट का आज फर्स्ट पोर्शन है वो होता है कंप्लीट।
बाकी मिलेंगे अपन कल वही सेम टाइम 1 PM है ना, कहाँ? YouTube पर। ओके थैंक्स, हैव ए नाइस डे। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम। अगर आपको बढ़िया लगी है तो अनअकैडमी का YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और बेल आइकन इसको प्रेस को भी इंक्रीज कर देना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है सर, थैंक यू।